हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ये सेट ई का अभ्यास 10 है। इस प्रकार से 17 से 18 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। कुल मिलाकर के 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि यमपी टेट प्राइमरी एंड मिडिल दोनों का आंसर की आ चुका है, तो दोस्तों अब आप मेन एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ज्यादा समय एग्जाम में नहीं लगेगा और पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। जब परीक्षा नजदीक आएगा तब बहुत जल्दबाजी हो जाती है। और दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट, एमपी सुपर टेट, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के लिए थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज को चेकआउट कीजिए और वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस में जब आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, अपना स्कोर डेली बेसिस पे चेक कीजिए जितना आपने पढ़ा है। जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए और कमियों को ढूंढिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ और अब अपना स्कोर चेक कीजिए। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है। क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है। यानी सीखने में प्रगति की दर जो है घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं पठार। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। सीखने का पठार, प्लेटिव इन लर्निंग में क्या होता है कि सीखने के वक्र के पठार, इसमें उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती, यानी कुछ समय के लिए रुक जाती है। यानी वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जाकर सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, सीखने के वक्र के 3 प्रकार हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित। ऋणात्मक यानी नेगेटिव चक्र में आरंभ में सीखने की गति जो है तीव्र होती है और बाद में मंद होती है। यानी सीखने की परिस्थितियां ऋणात्मक में पहले तीव्र, बाद में मंद होती है। तो जहां कार्य आसान और पहले का अनुभव हो वहां इस प्रकार का वक्र बनते हैं, ऋणात्मक वक्र। एंड धनात्मक प्रगति सूचक वक्र में आरंभ में मंद गति होती है और बाद में तीव्र होती है। यानी कि यह वक्र प्रदर्शित करता है कि धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति जो है बढ़ती जाती है। धनात्मक प्रगति सूचक वक्र में इसमें अभ्यास और प्रशिक्षक के द्वारा वृद्धि होती है। यानी पहले मंद गति होती है सीखने की और अभ्यास प्रशिक्षक बढ़ता जाता है तो तीव्र गति आगे तीव्र होता जाता है। एंड तीसरा होता है मिश्रित वक्र, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व। तो मिश्रित वक्र को सी टाइप देखने में यश जैसा दिखाई देता है। इसे सी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे यश वक्र भी कहते हैं। मिश्रित वक्र में वक्र प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाली की क्रिया और सीखने संबंधित वातावरण की प्रकृति के आधार पर घटता व बढ़ता हुआ किसी भी प्रकार की शक्ल ले सकता है। ये होता है आपका सीखने की प्रकार, वक्र के प्रकार और पठार। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने विकसित किया? जैसा कि आपने सही जवाब दे दिया होगा दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण पर आधारित चिकित्सा को विकसित किया। इन्होंने मन की 3 अवस्थाओं को बताया है, चेतन, अधचेतन, अवचेतन, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है। तो मूल्य निर्धारण पैमाना, अंतर्विच्छाएं और निरीक्षण,
पेपर और पेंसिल टेस्ट यानी कागज और कलम जांच, ये सभी व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एरास सूचित करता है। तो दोस्तों एरास जो है यह जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सूचित करता है। नेक्स्ट है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के अनुसार आंतरिक कृत पिता है। जहां आंतरिक कृत और नैतिक मन शब्द आए वहां पे सुपर ईगो होगा, परा अहम अवचेतन मन। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों कोई भी उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सबसे ज्यादा सहायक होगा मातृभाषा। नेक्स्ट है नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है। कोई भी पाठ आप शुरू कर रहे हैं तो उसके पूर्व पाठ से बच्चों का ज्ञान थोड़ा सा आप देखेंगे कि पूर्व पाठ का ज्ञान कितना है उनको। तो पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है कोई भी नया पाठ पढ़ाने से पहले, क्योंकि दोस्तों क्यों दोहराया जाता है, क्योंकि पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है। तो किसी भी विद्यार्थी को प्रदान किया गया जो शिक्षण होता है, शिक्षा होता है, वो कब प्रभावी हो सकता है। जब बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तब वो ज्यादा प्रभावित होता है। अगर बालक की मानसिक स्तर निम्न का है और उच्च स्तर की चीजें सिखा रहे हैं तो बालक उसको अच्छे से नहीं सीख पाएगा, उसको ओवरलोड हो जाएगा। जितना उसका मानसिक स्तर है उसको परख करके ही उसके अनुसार उसके अनुरूप शिक्षा दी जाए तो वो ज्यादा प्रभावित शिक्षक होगा। नेक्स्ट है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या मुख्य रूप से आवश्यक है। तो प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना ज्यादा आवश्यक है। यानी कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो बालक व्यवहारिक या दैनिक जीवन में चीजों को देखता है, पढ़ता है, सीखता है या जिसे गुजरता है, उन सभी व्यवहारिक एग्जाम्पल देकर के आप विषय को पढ़ाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा उसमें और जल्दी उसको समझ में आएगा बालक को। नेक्स्ट है बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास करता है। यानी कि यह सर्वांगीण विकास में सहायक होता है बालक के। नेक्स्ट है आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है। तो दोस्तों आत्मसंतोष, जब आपने आपको संतोष नहीं होगा तो और चीज प्राप्त करके क्या करेंगे। तो शिक्षा परिणाम तभी आपको सफल है जब आपको अपने आप में संतुष्टि हो। तो आत्मसंतोष यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे इन चार ऑप्शन में से। तो यहां पे सर्वाधिक बल देंगे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, अंदर से मोटिवेट करेंगे उन सबको। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में पूर्ण रूप से सहायक है। तो उत्तम शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, ठीक है। सिर्फ जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सेल्फ डिपेंड होना ही आपको सबसे महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा आपको सेल्फ डिपेंड ना बना पाए
वो शिक्षा बेकार है तो उत्तम शिक्षा में क्या सबसे पूर्ण रूप से सहायक है, तो आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड होना। नेक्स्ट अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल मेथड का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया, तो इंटरवल मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग यानी इसकी खोज हुआ 1920 में इसका क्या हुआ, अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की खोज दोस्तों 1920 में रेंडले व गर्चनर विकिला ने किया था। यह गति सहनशीलता स्पीड इंड्योरेंस को डेवलप करता है, तो 1920 में रेंडले व गर्चनर विकिला ने इसकी खोज किया था। तो इसका प्रयोग कब किया गया, खोज तो 1920 में किया था लेकिन प्रयोग कब किया था, यहाँ पे आंसर दिया है 1930 में। ठीक है, खोज की बात करेगा तो 1920 में रेंडले व गर्चनर विकिला ने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है कौन सी प्रशिक्षण विधि अभ्यास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति यानी फिर प्रयास यानी पुनः प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसे आराम या प्रयास का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, तो यह सिद्धांत है अंतराल प्रशिक्षण विधि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यह सहनशीलता को विकसित करने का सबसे अच्छा ट्रेनिंग मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ समय तक क्रियाकलाप किया जाता है और फिर कुछ समय तक आराम करके पुनः क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है। इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी रखा जाता है, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकवरी बिटवीन टू रिपीटेशन यानी दो अभ्यासों के मध्य जो क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी होती है उसके लिए समय अवधि अधूरी रखी जाती है, इनकम्प्लीट। कैसे दोस्तों, इसमें जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट जो होता है 175 से 180 तक पहुंच जाती है, हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाती है जब हम इसमें इंटरवल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेते हैं। तो होता क्या है, अधूरी क्षतिपूर्ति इनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर हम ट्रेनिंग करते हैं जब तक हृदय गति 180 तक पहुंच जाती है और 180 तक हार्ट रेट पहुंचते ही हम क्रिया को रोक देते हैं, और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 120 से 130 प्रति हार्ट रेट पर पहुंचते ही अभ्यास को रोक देते हैं। ठीक है, 180 पर पहुंचते पर अभ्यास को क्या करते हैं, रोक देते हैं, और 120 और 130 पर आते ही पुनः उसको शुरू कर देते हैं। इस प्रकार इनकम्प्लीट रिकवरी रखा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी कि जब अभ्यास करते हैं तो 180 हार्ट रेट होने तक अभ्यास किया जाता है, 180 होने तक जब आप एकदम थक जाते हैं तो तुरंत रोक दिया जाता है, और जैसे ही हार्ट रेट 120 से 130 पर पहुंचता है तो पुनः कार्य को शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है, तो फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि जो है वह स्वीडन की देन है। स्वीडिश शब्द है फॉर्टलेक जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले गतिज खेल, और फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। यह एंड्योरेंस को डेवलप करता है, इसमें बिना पूर्व नियोजित ढंग से बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित नॉट प्रॉपर प्लानिंग के आधार पर किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि बिना पूर्व नियोजित बिना कोई प्लानिंग के अभ्यास को किसमें किया जाता है, तो फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड में। नेक्स्ट, लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो लेजियम के हैंडल की लंबाई 15 से 18 इंच लगभग होती है। नेक्स्ट, 1982 एशियन खेलों में कितने व्यक्तियों के समूह ने
लेजियम का प्रदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर है 400 व्यक्तियों के समूह ने। 1982 में एशियन गेम नई दिल्ली भारत में हुआ था दोस्तों, जैसे कि एशियन गेम की शुरुआत 1951 नई दिल्ली में हुआ था, और जिसके एशियन गेम के शुरू करने के वाले यानी कि एशियन गेम के पितामह हैं प्रोफेसर जीरी सोंधी। नेक्स्ट है, मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधि प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का क्या होता है? तो वह माध्य या माध्यिका होती है, मीड या मीडियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न लिखित मानक में से कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षा में किया जाता है? तो यह ज्यादातर मानक का प्रयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षा में किया जाता है, सतमक मानक का, सतमक मानक का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? तो इसमें पवित्र हथियार है, चार आवाज है, पीछे छलांग है, बट जानतिक नहीं है। नेक्स्ट है, अगर खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी असंभव नहीं, आवश्यक नहीं होता, ठीक है। अगर खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं होता, यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रशिक्षक ही एक खिलाड़ी को क्रियाशील सहभागिता के लिए तैयार करेगा, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह भी क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है, खेल एवं खेल प्रतिभागियों में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह सिद्धांत कहलाता है चक्रीयता का सिद्धांत, प्रियोडाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फ्रीडाइजेशन के अंतर्गत तीन चक्र होते हैं, चक्रीयता का सिद्धांत यानी कि ट्रेनिंग साइकिल जो होता है वह तीन होता है। कितने होते हैं? मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण चक्रीयता यानी ट्रेनिंग साइकिल को कितने प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित करते हैं दोस्तों? तो तीन प्रशिक्षण चक्रों में। कौन कौन से? मैक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना या वार्षिक ट्रेनिंग चक्र भी बोलते हैं, और यह 3 से 12 महीने का होता है। एंड दूसरा होता है मीजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का यानी 30 से 45 दिन का होता है। मीजो चक्र को मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवसन चक्र भी बोलते हैं। एंड तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी बोलते हैं। इसका समय 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह तक का होता है, सबसे छोटा चक्र होता है। नेक्स्ट है, चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों को सही उपयोग करना है, यह क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों कहलाता है मैक्रो चक्र यानी वार्षिक ट्रेनिंग चक्र। नेक्स्ट है, मैक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो मैक्रो चक्र का दूसरा नाम है वार्षिक चक्र या ट्रेनिंग योजना भी इसको बोलते हैं, या 3 से 12 माह का होता है। नेक्स्ट है, मैक्रो चक्र की अवधिकालीनता की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यानी वार्षिक चक्र में 3 चक्र होती हैं, कितने? 3 चक्र होती हैं।
नेक्स्ट है तैयारी काल, यानी पीरियडाइजेशन अवस्था किस चक्र की होती है? तैयारी काल, प्रिपरेशन काल, ठीक है, प्रिपरेशन काल, तैयारी काल किस चक्र की होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीजो चक्र। नेक्स्ट है एमएमआर का इंजेक्शन निम्न माह में लगता है। तो एमएमआर का इंजेक्शन जो है 15 माह में लगता है। नेक्स्ट है रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जाता है। तो रोगाणु को नष्ट करने के लिए हम भौतिक विसंक्रामक का भी प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक विसंक्रामक का भी प्रयोग करते हैं, रासायनिक विसंक्रामक का भी प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन है? तो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, खसरा यानी मिजल्स, तपेदिक यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी है आपके वायु द्वारा फैलने वाले रोग। नेक्स्ट है जल द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? हैजा, टाइफाइड, डायरिया यानी अतिसार, ये सभी हैं आपके जल द्वारा फैलने वाले रोग। नेक्स्ट है स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है J.F. विलियम का, कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब आपने दे दिया होगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति निम्न शब्द से हुई है। तो यह किनेसिस प्लस लोगस से बना हुआ है, यहां पे राइट हो जाएगा क। यहां पे क्वेश्चन है किनेसिस शब्द का अर्थ निम्न है। काइनेसिस शब्द का अर्थ है गति करना यानी चलना, यहां पे राइट हो जाएगा चलना। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? दोस्तों जो पसलियां यानी रिब्स होती हैं, बीच में मोटा हड्डी होता है स्टर्नम, उसमें दोनों तरफ 12 पसलियां लगी होती हैं। तो पसलियों की संख्या तो 24 हुआ, लेकिन जोड़ में पूछेगा तो 12 जोड़ी आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे 12 जोड़ी राइट होगा। नेक्स्ट अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो दोस्तों अस्थि संधि में जो अस्थियों की जोड़ होते हैं वहां पे उसको लुब्रिकेट करने के लिए, कि हड्डियां एक दूसरे में घिसे ना, उसमें लचीलापन बना रहे, उसके लिए वहां पे होता है साइनोवियल फ्लूड। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूड यानी साइनोवियल द्रव्य होता है, जिससे हम हमारा अंग जो अच्छे से गति कर पाता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। जब साइनोवियल फ्लूड की कमी होने लगती है वृद्धावस्था में, तो हमारे अंग जो है अकड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि मैं बताई हूं आपको बार बार की संधियां जो है 3 प्रकार की हैं, चल, अर्धचल और अचल संधि। तो यहां पे अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट एंड साइनोथ्रोसिस भी बोला जाता है, एंड अर्धचल संधि को कार्टिलेजियस ज्वाइंट या एम्फियार्थ्रोसिस भी बोला जाता है, और चल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट या डायर्थोसिस बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको MPTET में पूछा गया था कि तंतु के आधार पर संधि को कितनी भागों में बांटा गया है, तो वहां पे आपका सही ऑप्शन था फाइबर्स ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। तो यहां पे पूछा है कौन सी संधि चल संधि का नहीं है,
तो दोस्तों कलाई की संधि जैसे कॉन्डिलिवर ज्वाइंट्स में आ जाएगा, गेंद और गड्ढा संधि आपका हिप एंड शोल्डर आ जाएगा, कोहनी संधि आपका हिंज ज्वाइंट में आ जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके चल संधि के एग्जांपल है, बट कपाल संधि जो है यह अचल संधि का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर ख हो जाएगा। खोपड़ी की संधि को सूचर ज्वाइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गेंद और गड्ढा संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट शरीर के किस अंग में होती है, यह होती है शोल्डर एंड हिप में यानी कंधों और कुल्ले में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी चूलदार यानी हिंज चल संधि है, तो हिंज संधि मतलब एक तरफ गति, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है उसी तरह हिंज संधि में भी, हिंज संधि यानी कब्जा संधि भी इसको बोला जाता है, एक तरफ गति करता है। तो इसमें आपका नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ आता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ, घुटने का ज्वाइंट यानी नी ज्वाइंट जो है यहाँ पे हिंज संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुकाओं एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ की संधि को क्या कहते हैं, तो एटलस और एक्सिस कशेरुकाओं की पहली रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी है एटलस एंड दूसरी है एक्सिस। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड की हड्डी में सबसे पहला हड्डी कौन है, तो एटलस और फिर दूसरा है एक्सिस। एक्सिस जो है एटलस जो है एक्सिस में जो नुकीला होता है उसी में एटलस फंसा रहता है, उसमें हमारा खोपड़ी सदा रहता है, इसलिए एक अक्ष पर एक चारों तरफ घूमता है तो इसमें रोटेशन मोमेंट होता है, तो इसको हम पिवट ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो यह इसको अब कीलदार संधि भी बोलते हैं, यहाँ पे कीलदार संधि आपका राइट हो जाएगा, कीलदार संधि। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के कुल भार में का मांसपेशियों का भार कितना होता है, तो मानव शरीर के कुल भार का मांसपेशियों का भार जो है 45% होता है, जिसमें से 40% भाग ओनली कंकाल मांसपेशियों की पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 650, एग्जैक्ट 639 होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक हैं, तो दोस्तों यहाँ पे फेफड़े ये अनैच्छिक मांसपेशी है, हृदय हृदय मांसपेशी है, जबकि हाथ जो है ऐच्छिक मांसपेशी है। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छाओं पर निर्भर नहीं होती है, अपने आप कार्य होता रहता है। नेक्स्ट है इनमें से अनैच्छिक की तरह कौन सी मांसपेशी कार्य करती है, तो अनैच्छिक की तरह कौन सी मांसपेशी इसमें काम करती है दोस्तों, 47 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, है अनैच्छिक। हाँ अनैच्छिक, यहाँ पे हाथ पैर और जीभ ये तीनों ऐच्छिक पेशियां हैं यानी रेखित पेशियां हैं, स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि हृदय मांसपेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, यह अनैच्छिक रूप से जीवन प्रयत्न धड़कता रहता है, जब इसकी गति रुक जाएगी तो मृत्यु हो जाएगा। नेक्स्ट है पथ दौड़ के लिए ग्रीष्मवासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते थे, पथ दौड़ के लिए ग्रीष्मवासियों द्वारा सीधा पथ बनाया जाता था। नेक्स्ट है पेंटाथलान नामक शब्द में पेंटा और एथलान के से क्या तात्पर्य है, तो पेंटाथलान जो है महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, इसमें पेंटा से मतलब पांच और थलान से मतलब एथलान से मतलब पत्तियां यानी पांच पत्ते आपका यहाँ पर राइट होगा। आधुनिक पेंटाथलान मॉडर्न पेंटाथलान में तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स रेस,
निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री 5 इवेंट आते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी? तो प्लेटो ने मल्ल युद्ध में दक्षता हासिल की थी। तो दोस्तों ये था 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए एंड इसी तरह की वीडियोज डेली बेसिस से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।